हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे नौकरी स्टॉक यानी कि इन्फो एज स्टॉक के बारे में और जानेंगे क्या लेवल्स खरीदारी के बन सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल है जो कि है 4,535 रुपए के आसपास, ठीक है। आगे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जो कि है 5,000 के आसपास, ठीक है। स्टॉक ने यहां से ये लेवल ब्रेक किया, रीटेस्ट, और अब स्टॉक फिर से ऊपर जाने की तैयारी में, ठीक है। ओके, आप समझ पा रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाने के बिल्कुल तैयारी में है और मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में बड़ा मूवमेंट देखने को आपको स्टॉक में मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में एंट्री बनती है और टारगेट 5,009 तक का हो सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 4,500 रुपए का, ठीक है। एंट्री आपकी यहीं पे बनती है, 4,500 रुपए का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। टारगेट 5,000 का है। दूसरा टारगेट, जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपके लिए लगभग होगा 5,700 रुपए के आसपास, जो कि 5,700 रुपए के आसपास बनता है। तो बाकी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट तो नहीं है लेकिन एक डब्लू पैटर्न आपको बनता हुआ सा नजर आएगा, ठीक है। रीटेस्टिंग भी हो चुकी है तो अब स्टॉक ऊपर जाना लाजमी है। तो इस तरह से आप स्टॉक में एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के एनालिसिस के आधार पर स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।